दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी जो जाकिर नाइक को वापस लाने के लिए कदम उठा रहे हैं, उसे देखकर भारत की मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मुस्लिम्स की ये शिकायत है कि नरेंद्र मोदी जी को पहले मेहुल चौकसी को, विजय माल्या को, नीरव मोदी को, इन लोगों को वापस लाना चाहिए जो हज़ारों करोड़ भारत का लेकर फरार हो गए हैं। पहले नरेंद्र मोदी जी को इनको लाना चाहिए, बाद में जाकिर नाइक के बारे में सोचना चाहिए, ये शिकायत कर रहे हैं भारत के पूरे मुसलमान। फिर भी गोदी मीडिया में लगातार सिर्फ जाकिर नाइक को वापस लाने के बारे में ही चर्चा हो रहा है, क्योंकि अब इलेक्शंस करीब है। अब अगर हिंदू भाइयों को इम्प्रेस करना है तो कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम ड्रामा करना ही पड़ेगा, तो शायद इसीलिए गोदी मीडिया पूरी तरह सिर्फ जाकिर नाइक को वापस लाने पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसे ही इलेक्शंस करीब आते हैं ये हिंदू मुस्लिम ड्रामा शुरू हो जाता है। तो जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, अगर नीरव मोदी या मेहुल चौकसी या विजय माल्या को लाया गया वापस, इससे देश को तो बहुत फ़ायदा होगा, हज़ारों करोड़ वापस मिल जाएंगे हमारे, लेकिन जाकिर नाइक को लाने से कुछ पैसों का फ़ायदा नहीं होगा देश को, लेकिन फिर भी जाकिर नाइक को वापस लाने से बीजेपी पार्टी का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जाकिर नाइक को पकड़ के फिर उन्हें विलन साबित करके अगर लोगों के सामने दिखाया जाए कि मुसलमान देखो ये विलन है, हम इन मुसलमानों से लड़ेंगे, आप हमें वोट करो, तो ये चांस होगा बीजेपी के लिए वोट्स मांगने का हिंदू भाइयों से, क्योंकि अब इलेक्शंस भी बिल्कुल करीब हैं। तो इसीलिए मोदी जी और गोदी मीडिया जाकिर नाइक को लाने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। गाइस, नरेंद्र मोदी जी और जाकिर नाइक की इस लड़ाई में डर है कि कहीं हिंदू मुस्लिमों के बीच दरारें ना पैदा हो जाए, जो एकता है हिंदू मुस्लिम एकता इस देश में, कहीं उनके दिलों में दरारें ना पड़ जाए इसकी वजह से, क्योंकि इलेक्शंस और पार्टीज तो आती जाती रहती है, इंसानियत का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइस।